रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक तो होंगे। और जी किरमान से सफ़र जो है वो अपना शुरू कर दिया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि एक बैग जो है वो मैंने पीछे तो पहना ही होता है, लेकिन एक बैग जो है वो आज मैंने आगे भी पहना हुआ है। चूँकि किरमान से हमने टेंट लिया है, खेमा लिया है, ताकि जहाँ पर भी हमें शाम होती है वहाँ पर हम टेंट लगा कर अपनी रात जो है वो बसर कर सकें। चूँकि ईरान के अंदर आपको पता है कि कई कई किलोमीटर तक जो है वो आबादी नहीं आती है, तो यहाँ पर रात गुजारने का जो है वो मसला होता है। और पीछे आप खाली साहब और निशान भाई भी देख रहे हैं कि वो पीछे पीछे आ रहे हैं। तो बात ये है कि ये अगर मैं अपने वेट की बात करूँ तो ये वेट तो काफ़ी हो गया है, यानी कि दो बैग उठा के चलना जो है वो आसान काम नहीं है। लेकिन क्या करें, फिर जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तो उसमें इस तरह करना पड़ता है। चूँकि हमने जो खेमा लिया है वो तीन लोगों का है, और वो समझें कि वो पूरा एक बैग है जो कि ज़िशान भाई ने पहना हुआ है। और फिर हमने सामान को जो है वो मैनेज किया है, और फिल वक्त ये बैग जो है वो मैंने इस तरह से आगे करके जी पहना हुआ है। तो किरमान शहर से का व्यू आप चेक करें कि पहाड़ पर जो है वो बर्फ़ है और बादल भी बने हुए हैं। क्या खूबसूरत जो है वो मंज़र है। जब हम नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाते हैं तो नॉर्दर्न एरियाज की तरफ हमें पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस किस्म का व्यू जो है वो देखने को मिलता है। और आज जो है वो ईरान में हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज़रा बारिश का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से पहाड़ों के ऊपर जो है वो बादल है और ये मंज़र जो है वो काफ़ी जो है वो खूबसूरत बना हुआ है। बारिश रुक चुकी हुई है, लेकिन अभी तक हम किरमान के अंदर ही हैं। हमें निकले हुए काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि किरमान शहर जो है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमें किरमान शहर से बाहर निकलने में ही जो है वो कुछ घंटे दरकार हैं। और दरमियान में बारिश जो है वो थोड़ी तेज़ होने लग गई थी, जिसकी वजह से जो है मेरा ख्याल है कोई आधा घंटा हम रुके होंगे।
बाकी हम रुके नहीं हैं, मुसलसल जो है वो चल रहे हैं। और यहाँ तक कि हम जब बारिश हल्की थी, बहुत हल्की भी नहीं थी, जिम जिम से थोड़ा ज़्यादा जो है वो बारिश हो रही थी, तो उस वक्त भी हम बारिश में चलते रहे हैं। तो अब लेकिन बारिश जो है वो रुक चुकी ही है, लेकिन बादल जो हैं वो अभी भी काफ़ी बने हुए हैं। और जो बारिश है जी दोबारा भी आ सकती है, कोई पता नहीं जी, ये तो रब के काम है। लेकिन सफ़र जो है वो जारी है और सफ़र इंशाल्लाह जो है वो जारी रहे। जहाज देख रहे हैं, ये जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो ये जो है जहाज महान एयर वालों का जी, ये जहाज है। और इस वक्त जो है वो हम लोग किरमान से बस तकरीबन बाहर निकलने वाले हैं, और किरमान का जो शहर का सफ़र है वो बस थोड़ा ही रह गया है जी। माल्टों का ढेर लगा हुआ है जी, आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें जी, माल्टों का ढेर लगा हुआ है। और ये तरबूज जो हैं, तरबूज भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बात मैं समझने से कासर हूँ कि तरबूज जो है वो सर्दी के अंदर क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल जी यहाँ पर ईरान के अंदर तो इस वक्त भी तरबूज जो है वो मौजूद हैं, और बाकी माल्टे जो हैं जी वो भी आप लोग ये देख रहे हैं, ये देखें जी माल्टों का जो है वो ढेर लगा हुआ है। भाई के हाथ के अंदर जो है वो क्रेडिट मशीन है, भाई माल्टे जो है वो सेल कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ के अंदर क्रेडिट मशीन है। आप ईरान के अंदर सिस्टम देख लें के माल्टे बेचने वाले के पास भी जो है वो क्रेडिट कार्ड वाली मशीन है, आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से किरमान के जो हद है जी वो ख़त्म हो रही है, हद तरकस किरमान, और अब जो है वो हम किरमान से बात समझे कि अभी वैसे हमें बिल्डिंग्स वगैरह तो नज़र आ रही हैं, ये अभी आगे तक रहेंगी, लेकिन हद जो है उन्होंने कह दिया जी ख़त्म हो गई है। बारिश का सिलसिला जो है जी वो फिर शुरू हो चुका हुआ है, और थोड़ी देर बारिश में हम लोग चले हैं, और फिल वक्त जो है हम लोग ये पुल है जी, पुल के नीचे जो है वो हम लोग रुके हैं इस इंतज़ार के लिए कि बारिश थोड़ी सी जो है वो हल्की हो जाए, तो उसके बाद जो है वो हम
के लिए रुके थे, खाना हमने खा लिया है और इस जगह का नाम है बगीन। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं जैसे खाना खा के हम बाहर निकले हैं कि सफर आगे शुरू करते हैं, बारिश जो है वो काफी तेज हो रही है और बादल भी आप देख सकते हैं जी। तो सुबह से लेकर अब जो है ये बारिश इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो हमें तेज मिली है और ये तेज हो रही है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है जी वो हो रही हैं 6:15 और यहाँ पर जो है जी ईरान के अंदर हो रही हैं 4:45। तो अब ये बारिश रुकती है, देखते हैं जी कब रुकती है। रुकती है तो उसके बाद जो है सफ़र को आगे दोबारा शुरू करते हैं। बारिश फिल वक्त जो है वो रुक चुकी है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज बारिश जो है वो वक्फे से जारी है, तो बारिश किसी भी वक्त जो है वो दोबारा शुरू हो सकती है। लेकिन फिल वक्त हम लोगों ने अल्लाह का नाम लेकर जो सफ़र है शुरू कर दिया है और आप देख सकते हैं जी शाम भी हो चुकी हुई है, बादल काफ़ी गहरे हैं और अब देखना ये है जी कि सफ़र जो है वो अब हम कहाँ तक जो है वो आसानी के साथ कर सकते हैं और फिर जहाँ हमें लगेगा इंशाल्लाह जी वहाँ पर जो है वो इंशाल्लाह स्टे करेंगे। चुका हुआ है लेकिन सफर जारी है। ईरान का जो टाइम है वो 5:50 हो रहे हैं और पाकिस्तान में इस वक्त 7:20 हो रहे हैं। ईरान में शाम जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है, इस वक्त तो यानी कि 5:50 हो रहे हैं, लेकिन इधर अगर मैं शाम की बात करूं तो तकरीबन 4:35-4:40 तक जो है वो शाम हो जाती है। ईरान के 7:19 हो रहे हैं और बारिश भी आप देख रहे हैं कि बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और अल्लाह का नाम लेकर ये सड़क के ऊपर ये जो पुल बना होता है जी, पुल के साथ जो है वो हमने अपना खेमा जो है वो लगा दिया है अल्लाह का नाम लेकर जी। तो इंशाल्लाह जी अल्लाह खैर करेंगे, आज रात का स्टेज है वो यहीं खेमे में है, जगह तो पता नहीं जी कौन सी है, नामालूम जगह है। तो बहरहाल चूँकि खेमा लिया भी इसलिए था कि ईरान के अंदर जो वीराना है वो बहुत ज़्यादा है और जल्दी कोई जगह जो है वो रहने के लिए नहीं मिलती है और आज तो बारिश का सिलसिला भी जारी है जी। लेकिन अल्लाह का नाम लेके फिर वही बात कि खेमा लगा दिया है इंशाल्लाह जी। आज यहाँ पे ईरान के अंदर मसला ये कि शाम हो जाती है जल्दी और जो रात है वो होती है बहुत ज़्यादा बड़ी, तो इसलिए हमारी कोशिश ये थी कि हम कम से कम ना थोड़ी देर चलते रहें ताकि सफ़र जो है वो कुछ ना कुछ हद तक ज़्यादा कर लें। तो इंशाल्लाह जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सुबह आप लोगों से जो है वो मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। सीन ये है कि खेमे के अंदर हैं और नींद नहीं आ रही, नींद इसलिए नहीं आ रही कि आज पहली मर्तबा जो है वो खेमे के अंदर सो रहे हैं और जब से सफ़र शुरू किया है तो अल्लाह तवक्कल ही जो है वो बस रास्ते में ही नामालूम जगह पर खेमा लगा दिया है। तो पहले मैं तो वैसे ही लेट गया था, सर्दी बड़ी है जी, तो जारी सी बात है फिर अब क्या किया है ये देखें जी। इसके नीचे भी इस ट्रोज़र के नीचे एक ट्रोज़र है जो कि मैंने पहना हुआ था और उसके ऊपर मैंने ये ट्रोज़र पहना है, फिर ये ट्रोज़र पहना है और फिर मैंने ये नीचे हाईनेक भी पहनी हुई है और ऊपर ये जो है फिर मैंने कोट पहना हुआ है और ये दस्ताने भी निकाल लिए पहनने के लिए। और खाली साहब जो है खाली साहब ने भी काफ़ी कुछ पहन लिया है और दिशान भाई ने भी जो है वो काफ़ी कुछ पहन लिया है, लेकिन नींद नहीं आ रही। तो हमने देखा जी कि हमारे पास क्या है खाने के लिए, तो फिल वक्त हमारे पास सिर्फ इंजीर है खाने के लिए, तो इसको खाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये भी इस वक्त लकड़ बनी हुई है।